एक बार फिर से हम ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें यहाँ दिखाई गई है जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट सी है जिसकी ए पॉइंट से दूरी क्या है, 3 है, और बी पॉइंट से भी 3 है। सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम है, यानी इंटेंसिटी में का इंटेंसिटी ऑफ लोड जो क्या है, मैक्सिमम है, जो 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, ठीक है, और ए पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है, बी पॉइंट पर भी क्या है, इंटेंसिटी 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम उसके लिए क्या करेंगे, या सेफ्टी और बीएमडी किस तरह से ज्ञात करना किया जाता है इसको सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अगर बाबू हम रिएक्शन आप निकालें आर ए, और यहाँ पे क्या होगा आपका आर बी, बताओ टोटल लोड क्या होगा। टोटल लोड अगर मैं कैपिटल डाउन मानूँ तो हम जानते हैं टोटल लोड बराबर होता है एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। एरिया कैसा बन रहा है, त्रिभुजाकार बन रहा है, इसका क्या हो जाएगा 1/2, आधार आधार क्या है 6, ऊंचाई कितनी है 4, कर दीजिए कितना है वो 12 किलोमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। अब ये 12 किलोमीटर बीच में लगेगा तो दोनों पर रिएक्शन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप बताओ दोनों पर रिएक्शन अगर निकालोगे तो W/2 करना पड़ेगा, यानी आर ए बराबर भी 6 किलोन्यूटन आ जाएगा और आर बी बराबर भी क्या हो जाएगा 6 किलो न्यूटन आ जाएगा। बोल ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम क्या करें कि इधर से हम क्या करते हैं, सेक्शन ले लेते हैं। कितना दूरी पाऊँ यहाँ से, यक्स दूरी पर एक सेक्शन ले लिया, ठीक। इसकी इंटेंसिटी हमें नहीं पता है ये जो, इसलिए इसको क्या किया W- मान लिया, क्या मान लिया W- मान लिया। अच्छा अब जब W- मान लिया, पहले W- का मान निकाल लीजिए, तो आप देख रहे हो क्या ए सी, इसको Y मान लेता हूँ, ए सी Y जो त्रिभुज आपका बन रहा है और ये त्रिभुज आपका छोटा सा ये भी बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर का सिद्धांत लगा दो, तो W- / w बराबर क्या हो जाएगा आपका X/ आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये W का स्थान भी हम लिख सकते हैं 4 और इसके स्थान लिख सकते हैं 3। तो W- जो आएगा हमारा क्या मिलेगा, 4/3 X मिलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, अब जो ये सेक्शन लिए हैं इसका हम FBD बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं FBD। देखो दोस्त यहाँ पे FBD बनाना है आपको, ये ए पॉइंट है, ऊपर तरफ एक रिएक्शन लगा 6 किलोमीटर का, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल लोड हमारा मान लो यहाँ पे G1 पे होगा, तो ये G1 पॉइंट ले लिया, जिसकी यहाँ से दूरी कितनी आएगी X/3 बोला, पूरा टोटल हमारा क्या 3 है, तो भाई यहाँ पे X/3 आ गया, X/3 हो गया, ये हमारी दूरी आ गई कितनी 2X/3, यहीं पर हमारा लोड टोटल लगेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल लोड आप निकालो तो क्या है, टोटल लोड आपका यहाँ पे W1 बोलो उस लोड को, तो W1 आएगा 1/2, आधार कितना होगा X, ऊंचाई कितनी होगी W-। अगर ये वैल्यू रख दिया जाए X/2 × W-, वैल्यू कितनी है 4X/3, ये देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी आपका कटेगा तो 2X²/3, तो ये वैल्यू आगे क्या 2X²/3, इतना किलो न्यूटन मान लिया मैंने, क्या किया किलो न्यूटन मान लिया। ये बात सारी समझ में आई होगी आपको, ठीक। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक, चलो इसको हमने मिटा दिया। अब दोस्त क्या है, अब जो ये आपका सेक्शन है ये इस पे हम क्या करेंगे, शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हमको पहले क्या करना है, सेफ्टी निकालना है, ठीक। वो भी किधर से कर रहे हैं, इधर से, इसलिए आपको डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड चॉइस किया है, ठीक। अब देखो अगर इस सेक्शन पे आप शियर फोर्स निकालते हो जिसको हम F(x) से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, तो जी को नीचे से ऊपर तरफ कितना लगा 6 लिखा माइनस, ऊपर से नीचे कितना लगा 2X³ X²
बटे तीन ही हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक, अब अगर बात करो यहाँ से, ध्यान दीजिएगा सारी बातों, सी पॉइंट भी था ऐसे, यहाँ से ऐसे लाइन खींचा। अगर हम बात करते हैं तो बताओ यहाँ पे x बराबर क्या होगा, जीरो होगा ये पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा हमारा x इक्वल टू थ्री होगा यहाँ से आता। तो हम ए पॉइंट पे क्या करते हैं, सी एफ ओ सी निकालते हैं, x इक्वल टू जीरो है तो यहाँ रखोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये छः किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप क्या करो, पॉइंट क्या है सी, सी पे निकालो तो x इक्वल टू क्या थ्री है, तो छः माइनस टू इंटू थ्री इंटू थ्री बट्टे ये कट जाएगा, यानी आपका क्या आएगा जीरो आ जाएगा। ठीक, अब क्या करो इसके लिए खींच लो पहले, क्योंकि आप ए ए सी पोर्शन में सॉल्व कर रहे हो, तो आप देखो एक छः है तो आप यहाँ पे ये लूडिंग डायग्राम हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, एस एफ डी की बात कर रहे हो, ठीक इसके मान लो उसके अनुसार आपका ये क्या होगा, ये आपका मिलेगा कितना, छः किलोमीटर रूट को और यहाँ पे जीरो। और देखो आप देख लो माइनस एक्स स्क्वायर है, पैराबोलिक मिला होगा, कैसा पैराबोला होगा आपको, हमने बताया है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई है तो उसको हम कैसे मिलाएंगे आपको, याद करो हमने बताया ऐसे मिलाएंगे। अब इसको हम जब मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलाएंगे, बात मेरी समझ में आ गई होगी शायद, बात में समझ प्लस में आया, ठीक आया। अच्छा, अब जो पोर्शन ये है ए सी, इसी के लिए इसने पोर्शन में क्या करो, बेंडिंग मोमेंट को भी निकाल लो, उसका भी डायग्राम बना लो। चलो इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। चल अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी एम डी, क्लॉकवाइज क्या लिया जाएगा, वो यहाँ पे प्लस लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लिया जाएगा, फ्राम क्या है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो अब इसी सेक्शन पर अगर हम मोमेंट निकालें क्या लिखेंगे, यम यक्स इक्वल टू, ये देखो आपको ऐसे ऐसे क्लाक वाइज घुमाएगा, जो प्लस लेना है छः गुणे यक्स हो गया, फिर ये वाला देखो फोर्स आपको इसको एंटी क्लाक वाइज घुमाएगा, यानी माइनस आपको हो जाएगा टू यक्स स्क्वायर बट्टे तीन गुणे यक्स बट्टे तीन। हल कर लीजिए इसको, सिक्स यक्स माइनस टू यक्स का क्यू बट्टे नाइन, ये हमारा क्या हुआ समीकरण सेकंड बन गया, बना ना। इसके लिए भी हम डायग्राम खींचेंगे, देखें अगर आपको हम बात करें यहाँ इस पॉइंट, बताओ एक्स इक्वल टू जीरो है ए बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जीरो, एक्स का मान रखो पूरा जीरो आ जाएगा। अच्छा फिर अगर सी पे निकालते हो तो एम सी बोला जाएगा, एम सी बोला जाएगा, सी पे देखो एक्स बराबर कितना है, यहाँ से गए हो तो एक्स बराबर कितना है तीन है, तो यहाँ पर रखो छः गुणे तीन माइनस दो गुणे तीन का मान रखोगे तीन गुणे तीन गुणे तीन और बट्टे क्या आ जाएगा नौ, ये बताओ नौ इससे कट गया, यहाँ होगा अट्ठारह माइनस छः यानी बारह आ जाएगा, बारह किलो न्यूटन मीटर आएगा। आप ध्यान से देखिए ये आपका जीरो हो गया, यहाँ पे बारह किलो न्यूटन आ गया। ठीक, आप एक चीज़ और देखिए यहाँ से, यहाँ देखो माइनस एक्स का क्यूब आया हुआ है, ठीक है ये भी ऐसे ही मिलाना है, इसका मतलब ये ऐसे मिला दिया है। ओके, ये हमारा आधा पोर्शन यानी ए सी में कितना बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा ये बात हमें बना चुके हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, बोलो दोस्त यहाँ तक कोई परेशानी आपको शायद नहीं होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं सारी चीज़ों को मिटाते हैं, अब जो पोर्शन सी बी है उसमें सेक्शन लेते हैं, उसमें सेक्शन लेते हैं, मिटाएं से क्या आइए। अब हम क्या करते हैं, देखो जो आपका बी पॉइंट है इस पॉइंट से एक्स दूरी पे एक सेक्शन लेते हैं, इसका वैल्यू पता नहीं डब्ल्यू डैश। ठीक, तो ऐसे ही हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसी सेक्शन को हम बनाते हैं, देखो इसका हम बी डी बना रहे हैं इस पोर्शन का। ठीक, नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं छः किलो न्यूटन आपका है ना, और ये दूरी हमारी क्या है यक्स है, ये भी हम जानते हैं,
यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं जी टू बोल देते हैं, जिस पे लोड लगने वाला अभी है, जिसको हम बोलेंगे डब्लू कैपिटल में डब्लू टू। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, मान लो यहाँ पे जी टू आपका। ओके, तो सबसे पहले तो हम निकालें क्या डब्लू डैश का मान कितना होगा, तो आप फिर डायरेक्ट कर देते हैं। डब्लू डैश का जो वैल्यू होगा आपको वो क्या आ जाएगा, 4/3 x हो जाएगा, 4/3 x हो जाएगा, होगा नहीं। देखो कैसे डब्लू डैश बट्टे 4 लिखोगे बराबर x बट्टे 3 हो जाएगा, तो आपका एक वैल्यू आएगा। अगर डब्लू टू का मान निकालना है क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुण ऊंचाई, आधार कितना आएगा बताओ, x ऊंचाई कितनी आएगी हम लोग का इसमें डब्लू डैश, तो 1/2 इंटू आधार इंटू डब्लू डैश का मान, इससे इसे काट दीजिए आपका मिलेगा का 2x² / 3। यानी डब्लू टू का मान हमें मिल गया क्या, 2x² / 3। इतना क्या आएगा, 3 किलो न्यूटन आएगा। बोलो समझ आ रहा है, ठीक। इसको हम मिटाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो अभी सेक्शन पे हमें क्या करना है, सीरियल पोर्शन निकालना है, यानी पहले में एसएफडी निकालते हैं। किधर से निकालना है बाबू, राइट हैंड साइड से निकालना है, राइट हैंड साइड से निकालना है। इसमें क्या होता है कहानी कन्वेंशन, अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा निगेटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होना है पॉजिटिव है। फ्रॉम राइट हैंड साइड, देखो नीचे से ऊपर ले लो, एफ एक्स बराबर 6 लेकिन माइनस में, ऊपर से नीचे देखो आपका -2x² / 3। समीकरण में क्या किया, इसको थर्ड बना लिया, समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये माइनस में नहीं होगा बाबू, क्योंकि ऊपर से नीचे ना आसान कन्वेंशन देखो, इसलिए हमने प्लस किया। ठीक, अब देखो ध्यान से, इधर से देखो, यहाँ पे अगर x बराबर b पॉइंट पे देखो, वेट पॉइंट बी x = 0, लेकिन x इक्वल टू, यानी यहाँ पे देखो तो x = 3 ही आएगा। यानी आपका अगर b पॉइंट पे आप शियर फोर्स देखोगे तो वो 0 नहीं, हिसाब में आप रखोगे तो -6 किलो न्यूटन आएगा। लेकिन अगर बात करो c पॉइंट पे तो देखो, अगर x का मान यहाँ पे आप 3 रखोगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, शियर फोर्स का मान 0 हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे अगर दर्शाते हो तो ये मान लो मैंने ये दर्शाया यहाँ पे, ठीक, और इसकी वैल्यू 0 थी तो यहाँ हो गया। अब परेशानी आती है लड़कों को, मिलाएंगे कैसे, कि सर ऐसे मिलाएं कि ऐसे मिलाएं, ठीक। आप देखो पहला बोला आपको पढ़ाया गया होगा, आपको मैंने फिर बताने का प्रयास किया कि वो ऐसे तब मिलाया जाता है जब इक्वेशन में आपका x² बराबर क्या हो, -4ay आए, यहाँ देखो प्लस में आई है वैल्यू, यानी माइनस अगर यहाँ रखा -x² आ जाएगा ना, तो ये प्लस में आई है, तो प्लस में आता है तो उसको हमें ऐसे मिलाना होता है, ऐसे। तो प्लस में आया तो ये वाला मिलाएंगे, ना कि ये वाला मिलाएंगे, यानी ये मिलाएंगे, ठीक। इसको हमने यहाँ से मिटाया, वहाँ पे मिलाना शुरू किया। देखो इसका मतलब ये वाली चीज़ नहीं मिलाई जाएगी, इसको मिटा दिया, मिलाया ऐसे जाएगा, ठीक। ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में, ये बात समझ में, ठीक है ना। ये यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है लड़कों का, बता दे रहे हैं, नहीं मानोगे गलत हो जाएगा, ठीक। चलो इसको मिटा दिया, सीयर को डायग्राम प्राप्त कर चुके। अब हमें प्राप्त करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD, क्लॉक वाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव, नाम राइट हैंड साइड, ये होता है। अगर इस सेक्शन पे जो आपका एक्स सेक्शन, इस पर मोमेंट निकालो यम एक्स बराबर, तो बताओ ये एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा, 6 × x हो गया, एक क्लॉक वाइज घुमाएगा -2x² / 3 इंटू, यहाँ से दूरी कितनी है बताओ, x / 3। हल करिए, 6x - 2x³ / 9, ये हमने इक्वेशन
फोर्थ बना लिया, क्या बना लिया फोर्थ। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे x इक्वल टू जीरो के लिए देखो तो कौन सा पॉइंट होगा, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे देखो x इक्वल टू जीरो रखोगे तो पूरा आपका जीरो आ जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। ऐसे ही आप यहाँ पे, यहाँ से आप सी पॉइंट पे आओ तो यहाँ x इक्वल टू थ्री आएगा, यहाँ पर आपको छः गुणे तीन माइनस दो बट्टे नौ गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, ये इसे कट जाएगा, हो जाएगा 18 माइनस 6 यानी 12 किलोमीटर। बताओ ये वैल्यू तो आई कि यहाँ से। अब अगर इसको बनाओगे सी नंबर बी एम डी की बात करोगे तो अब यहाँ से ऐसे बना, ये वैल्यू आपको आएगी 12 किलोमीटर। ये बात आपको सवाल साथ समझ में आया होगा, इसकी थ्योरी भी समझ में आई हो, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। अगर कंपटीशन पूछता है एसएफडी का सेफ कैसा बनता है तो आप बताओ कि पैराबोलिक बनता है, बीएमडी का सेफ कैसा बनता है तो क्या है, क्यूबिक बनता है, ठीक है। और अगर पूछे कि मतलब सिंपल, मतलब जो आपका सपोर्ट है उस पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होगा, कहोगे जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। तो ये बातें थी, शायद आपको समझ में आई होगी, ठीक है।